अब सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। हमारे पास एक कर्व है दैट इज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। आप समझें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, या फिर वो ऐसे भी दे देना यहां पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, दोनों के लिए आपको सेम तरीके से ही करना है। आप समझें कि यहां पर व्हेन जब आपका वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो, तब आपके जो एक्स है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है -1 to 1, क्योंकि वाई साइन इनवर्स एक्स की डोमेन ये होती है। अब एक्स जो है वो ये है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी आप समझें। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस फोर जो है पूरा -1 to 1 के अंदर ही होगा, बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ साइन इनवर्स। अब मुझे यहां एक्स चाहिए, तो मैं दोनों तरफ फोर ऐड कर दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज 3x² और यहां पे आ गया 5x². मॉड्यूलस स्क्वेयर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे रूट ले लेंगे। सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज √5। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5 है। आप समझो कि वही यहां पे मान लो आपका 0 है, यहां पे आपका सम √3 है, यहां √5 है, यहां पे आपका -√3 है, यहां पे माइनस का √5 है। अब आप समझें कि एक्स ग्रेटर देन √3 कब होगा, जब आपका जो एक्स है व्हेन एक्स इज -√3 से बड़ा हो जाए, यानी कि -√3 से छोटा हो। व्हेन एक्स इज लेस देन -√3, जब -√3 से छोटा यानी कि -√4, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, जैसे यहां पे -√4 इससे छोटी वैल्यू होगी, तो -√3 से जब छोटा होगा, जैसे -√4 इसको आप लेंगे, तो यहां पर जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स यानी √4 हो जाएगा और वो √3 से बड़ा हो जाएगा। या फिर आप कहेंगे और कि वो आपका -√3 से क्या हो, बड़ा हो। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3, या तो वो √3 से बड़ा होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 होगा, या फिर -√3 से छोटा होगा। इसके बाद इसको देखो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स √5 से छोटा कब होगा, जब -√4 रख लोगे तो √5 से छोटा हो जाएगा, यानी -√5 से बड़ी वैल्यूज। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -√5, -√5 से बड़ी वैल्यूज। और यहां पे √5 से छोटी वैल्यूज कब मिलेंगी हमें, √5 से छोटी वैल्यूज मिलेंगी जब वो √5 से छोटा होगा। व्हेन एक्स इज लेस देन √5, तो ये वैल्यूज हमने यहां निकाल ली। अब हम यहां इन वैल्यूज के साथ इसको करते हैं, तो यहां पे आपका -√5, यहां -√3, यहां पे कहीं √3 होगा, यहां पे कहीं √5 होगा। अब आप समझो, व्हेन एक्स इज लेस देन -3, -3 से छोटा, -3 से छोटा यानी इन वैल्यूज की बात कर रहा है। एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन √3 यानी इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। और यहां पे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -√3, ग्रेटर देन -√5। अब ग्रेटर देन -√5 यानी कि
यहां से, और लेस देन रूट फाइव यानी कि यहां तक, ये पूरी वैल्यूज। अब इनमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? कॉमन रीजन आप देखें तो देखो माइनस रूट फाइव से माइनस रूट थ्री, यूनियन रूट थ्री टू रूट फाइव, ये क्या होगा? इसकी डोमेन होगी। इसको ना आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे? इतना तो सेम ही करना है आपको, यहां तक ये आ गया, थ्री इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन फाइव। अब एक्स स्क्वायर थ्री टू फाइव कब होगा? जब आपका वेन एक्स इज आपका रूट थ्री से रूट फाइव के बीच में होगा। रूट थ्री लेंगे तो थ्री, इससे बड़ी वैल्यूज इनके बीच में, और रूट फाइव लेंगे तो ये। अब बात कर रहे हैं हम स्क्वायर की, तो यहां पॉजिटिव वैल्यूज तो हमने ले ली, नेगेटिव वैल्यूज भी तो हो सकती हैं। सो माइनस रूट फाइव से माइनस रूट थ्री। अब एक्चुअली में जब माइनस साइन लगेगा तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, दैट्स वाई हमने इनको रिवर्स कर दिया है। ये आपकी डोमेन होगी, तो यहां से डोमेन आ रही है माइनस रूट फाइव टू रूट थ्री यूनियन, और यहां पे आ रहा है रूट थ्री टू रूट फाइव। दिस इज बेसिकली द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। अब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर आए तो भी सेम ही करना है, एंड अगर साइन आता है तो भी सेम ही करना है, यहां पे माइनस साइन आएगा।